हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ काउंसलिंग बाकी है। आई एम आदित्य यादव एंड वाचिंग द सोशल इंडियन। और आज की इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अब काउंसलिंग नज़दीक आने वाली है, पीजी के एडमिशन्स होने वाले हैं, एंट्रेंस टेस्ट अभी लगभग हो गए हैं, जिनके बच्चे हैं उनको ऑल द बेस्ट। अब यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जब आपके हो गए हैं तो यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट आएगी। कट ऑफ लिस्ट के बाद आपको काउंसलिंग के लिए एक या दो दिन भी मिले या ना मिले उसका पक्का नहीं होता है, तो जल्दी से अपनी तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि कट ऑफ लिस्ट आते हुए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। और वो लिस्ट आज हम आपके लिए ला रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखने हैं, पहचान कर रखने हैं, संभाल कर रखने हैं, उनको आप अभी से संभाल लीजिए, बनवा लीजिए, करवा लीजिए और कर लीजिए। सबसे पहले तो आप खुद तैयार होने चाहिए क्योंकि आप काउंसलिंग में आएंगे तो आप अपने हिसाब से तैयार रहें, घबराएं नहीं, नर्वस ना हो, ये ना सोचें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये ना सोचें कोई और यूनिवर्सिटी है, सिर्फ ये सोचें कि हाँ भाई एडमिशन के लिए जा रहे हैं, होगा ही होगा। पॉजिटिव वे में आएं, टेंशन ये ना लें कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। आपको भरपूर टाइम दिया जाएगा अपनी सारी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने का। यूनिवर्सिटी नहीं चाहती है या कोई भी नहीं चाहता है कि आपका एडमिशन ना हो, सब चाहते हैं आपका एडमिशन हो और आपको पूरा मौका दिया जाएगा उसके लिए। अब जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिस पे आपका नाम है, जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस पे आपका पिताजी का नाम है, जो सब जगह इस्तेमाल होती है, जिस क्लास की परीक्षा को कहते थे कि भाई ये जिंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दसवीं क्लास की परीक्षा। और दसवीं क्लास की ही परीक्षा की मार्कशीट आपको सबसे पहले रखनी होगी अपने पास। उसकी एक ओरिजिनल और दो जीरोक्स कॉपी आप रख लीजिए, जो भी मैं डॉक्यूमेंट बोलता हूँ उसकी दो या तीन जीरोक्स कॉपी अपने पास एडिशनल रखिए, क्योंकि क्या पता आपको कहाँ पर जरूरत पड़ जाए। दो की तो आपको जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा रखते हैं तो अच्छी बात है। फोटोग्राफ्स अपने साथ जरूर रखें। अब जब आपकी टेंथ की बोर्ड एग्जामिनेशन की एक सर्टिफिकेट होती है वो आपके पास होनी चाहिए, टेंथ की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अब दसवीं के बाद ग्यारहवीं में आपने लिया था आर्ट, साइंस या कॉमर्स, उससे आपकी ज़िंदगी हुई थी लगभग निर्धारित, तो उस निर्धारित मार्कशीट को यानी कि बारहवीं की मार्कशीट को भी अपने साथ रखें, जो है तीसरे नंबर का डॉक्यूमेंट। फिर आपके पास होनी चाहिए ट्वेल्थ की सर्टिफिकेट कि हाँ भाई आपने पास किया है ट्वेल्थ को। फिर अगर आप सीधा यूजी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इसके अलावा तो शायद कोई होगी नहीं, लेकिन अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन की होगी। अगर आपने ग्रेजुएशन की होगी तो उसकी भी होगी आपके पास मार्कशीट। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं होती है तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे 6 की 6 मार्कशीट होगी या 8 की 8 मार्कशीट होगी, जितने आपके सेमेस्टर हैं उसके हिसाब से या ईयर के हिसाब से आपकी मार्कशीट्स होंगी। अगर आपके पास सारी होती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो जितनी होती हैं उतनी प्रोड्यूस कीजिए और NOC देके जाइएगा, अंडरटेकिंग देके जाइएगा कि भाई मैं यहाँ पर आपको सबमिट करा दूंगा इतनी तारीख तक, वो आप निकलवा लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो अपीयरिंग होते हैं, उनके पास सारी मार्कशीट नहीं होती है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं कि अगर आपके पास मार्कशीट सारी है लेकिन डिग्री है कि नहीं है, क्योंकि डिग्री भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और डिग्री मतलब आपको प्रोड्यूस करनी होगी काउंसलिंग के टाइम पे। तो अगर आपके पास डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक काम कीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी में जाइए और अपनी प्रोविजनल डिग्री के लिए एप्लीकेशन दे के प्रोविजनल डिग्री निकलवा लीजिए। हो जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाती है तो दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी, अंडरटेकिंग दीजिएगा, समय लेके उस समय में कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले हो जाए तो अच्छी बात है, आपका बाद में कोई भी पार्ट बचा ना रहे। अब हम आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। आपका कैरेक्टर हम मानते हैं बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो और लोग इसे मानते हों, लेकिन यूनिवर्सिटी इससे प्रमाण पत्र मांगेगी इसका, तो उस प्रमाण पत्र को लेके आइएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आप अपने साथ लेके आइएगा। अब अगर आप किसी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं, 30-40 नंबर जनरल कैटेगरी से कम लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करनी होगी। वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए लेटेस्ट डेटेड, जो डेट दी गई है उसी के अकॉर्डिंग, और फिर वो आपको प्रोड्यूस करनी होगी उसी टाइम पर। अगर आप OBC हैं तो नॉन क्रीमी लेयर वाली सर्टिफिकेट आपको देनी होगी, सेंट्रल लिस्ट की होनी चाहिए। इसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कंफर्म कर सकते हैं नीचे कमेंट में। अब OBC सर्टिफिकेट अगर 1 अप्रैल से पुरानी है तो जी जाके करवा लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, OBC सर्टिफिकेट तो आपके पास होती है लेकिन वो पुरानी होती है, तो पुरानी सर्टिफिकेट आपकी किसी काम की नहीं आने वाली है, करवा लीजिए, 4-5 दिन लगने हैं, उसे भरपूर इस्तेमाल करिए और बनवा लीजिए OBC की सर्टिफिकेट को। फिर आपके पास आएगी एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइग्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो दिक्कत हो सकती है, दिक्कत तो नहीं, आपको समय मिलेगा, लेकिन पहले बनवाना अच्छा होता है, तो पहले माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। फिर आपके पास होनी चाहिए फोटोग्राफ दो कहते हैं लोग कि दो होनी चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफ्स हों, 5, 10, 15 लेके रखिए, एक ही बार में 50 रुपये में 25 खिंच रही हैं, आराम से खिंचवाइए और मज़े करिए। फिर एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके लिए आ जाती है, एंटी रैगिंग का फॉर्म। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए एंटी रैगिंग का फॉर्म और
उसको आप देखिए, भरिए, साइन कीजिए और उसके बाद उसे ले जाइए अपने साथ, और साथ जरूर लेके आइएगा क्योंकि वो काम आता है, वो यूनिवर्सिटी में लगेगा, और हम नहीं चाहते कि एक छोटे से कागज के टुकड़े की वजह से आपका एडमिशन रुके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो में जो ज्ञान मिला है उसको आप भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, काउंसलिंग में कम परेशान होंगे। इसीलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और यहीं पर आगे आपको मिलेंगे अगली वीडियो सीरीज़ में। भारत माता की जय, जय हिंद।